मुख्यमंत्री अभी आए थे, प्रशासन हाथ बांध के नौकरों की तरह खड़ा रहा। ये 7-8 दिन का मंत्री बचा है तुलसीराम सिलावट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मध्य प्रदेश में 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। ऐसे में मंगलवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने रैली निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसके बाद कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हो गया था। इस पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेसियों ने पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया था। इधर प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में सांवेर थाने में 34 कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज की थी, जिसके बाद गुरुवार को कांग्रेसी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सांवेर थाना गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस दौरान SDOP पंकज दीक्षित व थाना प्रभारी संतोष दूती से कांग्रेसियों की जमकर बहस भी हुई। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांवेर थाना पर हंगामा मचाया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कांग्रेसियों ने पुलिस द्वारा की गई FIR पर आपत्ति जताते हुए उसे एक तरफा रवैया बताया। वहीं पूर्व मंत्री और राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 8 दिन के मंत्री हैं और BJP के प्रदेश में 42 दिन ही बचे हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि वो BJP समर्थक बनकर काम ना करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री रहते हुए सिलावट किसानों को 40,000 प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांवेर के BJP कार्यकर्ताओं में ही तुलसी सिलावट का भारी विरोध हो रहा है और उन्होंने मंत्री सिलावट को तंज कसते हुए कहा कि मैं तो सरल व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू की आटा चक्की बहुत बारीक पीसती है, इस बात का ध्यान रखें। उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान के इंदौर आगमन के दौरान हुई एकत्रित हजारों BJP कार्यकर्ताओं की भीड़ को लेकर भी प्रशासन सवाल करे। पटवारी ने पूछा कि उस वक्त प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पटवारी ने यह भी कहा कि अधिकारी नौकर की तर्ज पर काम कर रहे हैं। अब BJP का संगठन क्यों काम करे और BJP के जो वोट देने वाले विचार वाले लोग हैं वो भी इनकी मदद क्यों करे, ये सवाल आज पूरे प्रदेश में पूरे सांवेर में है। मैं मानता हूँ कि तुलसीराम सिलावट में थोड़ा सा पानी बचा हो तो 40,000 रुपया हेक्टेयर आपकी सरकार है, आप मंत्री हो, सांवेर के किसानों को मुआवजा दिलवाओ तो माने कि आप मंत्री हो, नहीं तो आप जिस तरीके से आपने वोट को बेचा अपने स्वार्थ के लिए, किसान के लिए क्या किया आपने, बिजली के बिल जो किसानों के बड़े हुए हैं जो कमलनाथ ने कम किए थे वो माफ करवाओ पूरे, तब तो हम माने कि तुमने जो अपना वोट बेचा उसका कुछ मर्म है आप में। मैं मानता हूँ कि BJP के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, मुख्यमंत्री अभी आए थे, कई लोगों का खाना हुआ, प्रशासन हाथ बांध के नौकरों की तरह खड़ा रहा, पुलिस और TI हाथ बांध कर पुलिस विभाग के लोग नौकरों की कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहे और एक राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि सभा में आपने 40-40 लोगों पे मुकदमे लगा दिए, 50-50 लोगों के और अन्य नाम लिख दिए, ये अन्याय कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि समय बदलने वाला है, 42 दिन ये 7-8 दिन का मंत्री बचा है तुलसीराम सिलावट और 42 दिन में सरकार जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी ने अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया और हठधर्मिता की और BJP के झांसे में आके कार्यकर्ता के रूप में काम किया वो याद रहे। मैं तो थोड़ा सरल आदमी हूँ पर प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बहुत आटा बारीक पीसती है, याद रखना, तो आगे से ये गलती ना हो। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आज बात करना चाहता हूँ BJP के कार्यकर्ताओं से और BJP के परिवार, जिन लोगों ने इसको तुलसीराम सिलावट जी को मदद की उन पर ये मुकदमे लगा रहे हैं, तो आपको कैसे आपके अपने हो जाएंगे। BJP के कार्यकर्ता, BJP के वोट देने वाले सब हम परिवार के लोग हैं, विचारधारा अपनी हो सकती है, अपनी अपनी हो सकती है, पर एक व्यक्ति जब मैं ये कांग्रेस में थे और मैं किसी की मदद करता था BJP के कार्यकर्ता की भी कहीं दोस्ती यारी में कोई रिश्तेदारी में, तो ये आपत्ति लेते थे तुलसीराम सिलावट। जब माइक आएगा भाषण होंगे तब नाम लेके बताऊंगा कि किस पे ये आपत्तियाँ ली थी इसने। तो मेरा आपसे अनुरोध है BJP के कार्यकर्ताओं से,
ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र की। विधायक बिकने लगा, बीजेपी का विधायक बिक जाएगा जब आपके मन पे क्या बीतेगी। तो जब विधायक बिकेगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा और लोग वोट से डरेंगे कैसे? अगर आज तुलसीराम सिलावट को बिकने के बाद वोट मिल सकता है तो फिर सब बिकने लगेंगे। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की, के सम्मान की और आपके वोट की कीमत की। तो हम सबको मिलकर, सांवेर की जनता मुझे पता है 20,000 वोट से हराओगी, हराओगी कि नहीं हराओगी? तुलसीराम सिलावट को 20,000 वोटों से घर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? ये कोई जीतू पटवारी की बात नहीं है। मैं कई गांव घूम लिए, विशाल पटेल घूम लिए, संजय शुक्ला, प्रेमचंद गुड्डू खुद गए, अंतर सिंह दरबार गए, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी सब परिवार के लोग कार्यकर्ताओं के साथ घूमे। बीजेपी के लोग भी मिलते हैं तो कहता है भैया तुम चिंता मत करो, एक जसोत इन्हें गड़बड़ करी उस सोच घर भेजांगा, तो टेंशन लो जो मत।